दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलर की स्विंग की मोटर की प्राइस के बारे में। तो ये कूलर की स्विंग की मोटर आपको मार्केट में कितने में मिलेगी और ऑनलाइन आपको कितने मिल जाएगी, तो इस पर हमने डिटेल से वीडियो बना दी है ये आपके लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी कूलर की स्विंग की मोटर 220 वोल्ट से 240 वोल्ट एसी करंट पर ये एक वर्क करती है और ये 4 वोल्ट की मोटर है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो सब कुछ लिखा हुआ है, 220 एसी करंट 240 वोल्ट तक ये वर्क करती है और ये एसी करंट पर ना कि डीसी करंट पर, ठीक है। तो ये एसी मोटर है, डीसी करंट पर वर्क नहीं करेगी। आप 12 वोल्ट की मोटर से या 12 वोल्ट की या बैटरी से चलाते हो तो वर्क नहीं करेगी, ये सिर्फ एसी करंट पर ही वर्क करती है। ये वैसे 4 वोल्ट की मोटर है। तो जैसे हम मार्केट में इस मोटर को लेने जाते हैं तो दुकानदार हमें क्या करता है गाइस, एसी 10 मोटर आपको दिखाएगा और बताएगा आपको कि ये मोटर जो पहली मोटर होगी वो बताएगा आपको ये 150 रुपये की है और आपको 10वीं मोटर जो होगी वो 700 रुपये तक बताएगा। मतलब आपको 150 रुपये से लेकर 700 रुपये तक एसी मोटर बता देगा, क्योंकि आपको पता है जैसे कि ये मोटर चाइना की है, मेड इन चाइना, और एसी हमारी मेड इन इंडिया की भी मोटर मिल जाएगी आपको मार्केट में। तो ऐसी अलग अलग कंपनी की आपकी आपको कम से कम 10 मोटर बताएगा दुकानदार और आपको बताएगा कि ये 150 की, ये 200 की, ये 250 की, इस तरह से आपको 700 रुपये तक की मोटर बताएगा दुकानदार। उनमें आपको चेंज मिलेगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, वैसे अंदर से बिल्कुल ये सेम रहेगी मोटर। आप अगर खोल के देखोगे तो मैं अभी एंड में दिखा दूंगा आपको खोल कर ये अंदर से कैसी मिलेगी। तो बिल्कुल मोटर आपको सेम मिलेगी A to Z बिल्कुल, लेकिन आपको पता है क्योंकि कोई भी कंपनी सेम टू सेम मोटर नहीं बनाती है, थोड़ा बहुत हटके बनाती है, तो आपको डिजाइन में थोड़ा बहुत अलग मिल जाएगा लुक इसका, और वैसे मोटर बिल्कुल सेम रहेगी। तो दुकानदार आपको बोलेगा कि ये 150 वाली है, ये बहुत कम वर्क करेगी, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी क्योंकि इनकी गारंटी नहीं आती है। तो दुकानदार आपको यही बोलेगा कि ये मोटर ज़्यादा वर्क नहीं करेगी, आप महंगी लीजिए तो अच्छा होगा, इस तरह से आपको उलझाने की कोशिश करेगा दुकानदार, ताकि आप महंगी मोटर खरीद लो और उनके ज़्यादा पैसे की अर्निंग हो जाए, इस तरह से आपको दुकानदार उलझाने में लगे रहते हैं। हम जैसे मार्केट में जाते हैं खरीदने, तो आपको याद रखना है मोटर बिल्कुल सेम मिलेगी आपको। आप 700 भी लोगे तब भी उतना ही वर्क करेगी, आप 150 भी लोगे तब भी उतना ही वर्क करेगी। आपको ऑनलाइन ये मोटर 250 रुपये से कम की नहीं मिलेगी, तो आप बाज़ार में ऑफलाइन ही खरीदे इसे। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, अंदर से इस तरह की मोटर है। इसकी प्राइस मार्केट में 150 रुपये से स्टार्ट होती है गाइस, लेकिन आपको दुकानदार 700 रुपये तक की मोटर बताता है, तो आपको उल जाता है कि आप 700 रुपये तक की या 350 की 400 की खरीदें। तो मैं बता देता हूँ आपको, आप 150 वाली लीजिए और या 700 वाली लीजिए, मोटर बिल्कुल उतनी ही वर्क करेगी, ये जितनी चलेगी उतनी ही चलेगी दोनों मोटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, क्योंकि अंदर से इसकी जो वायरिंग है वही 700 वाली में मिलेगी आपको, बिल्कुल सेम टू सेम हर कंपनी की आपको मिलेगी, लेकिन उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। बस दुकानदार आपको उलझाएगा कि ये महंगी वाली ज़्यादा दिन चलेगी, ऐसा है वैसा है, तो आपको उलझना नहीं है, आपको सिर्फ 150 वाली ख़रीदना है सस्ती, क्योंकि ये मोटर उतनी ही चलेगी जितनी आपको 700 वाली चलेगी, ठीक है। ऐसे जल्दी ख़राब नहीं होती है, जैसे हम लेकर आए हैं और 2-3 दिन चली और ख़राब हो जाती है, ऐसा नहीं होगा। और इस पर हमने एक और डिटेल से वीडियो बनाई, अगर आपकी चलती मोटर बंद हो जाती है तो आपको कैसे रिपेयर करना है, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डाल दूँगा, ठीक है गाइस। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको महंगी मोटर नहीं खरीदनी है, दुकानदार आपको उलझा देगा कि आप 350 की खरीदें, 250 की मत खरीद, 150 की मत खरीद दीजिए, तो वो नहीं चलेगी, ऐसा नहीं करना आपको, है ना। तो आपको 150 वाली ही खरीदना है, ठीक है। तो हम आपको खोल के दिखा देते हैं आपको अंदर से कैसी है मोटर। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको अगर 700 वाली मोटर भी खोल के देखोगे तो बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी आपको, उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, इसमें ज़्यादा कोई वायरिंग नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपको खरीदना है सिर्फ 150 वाली खरीदना है ऑनलाइन, तो आपको अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन में सजेशन नहीं करूंगा कि आप ऑनलाइन खरीदें, क्योंकि जो चीज़ आपको मार्केट में 150 मिल रही है वो आपको 250 रुपये में ऑनलाइन मिलेगी, तो आपको खरीदना सही नहीं है। आप 100 रुपये ज़्यादा बिगाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है मोटर, तो आपको 150 रुपये में खरीद लेनी है। चलिए हम इसे खोल लेते हैं, तो ये देख लीजिए अंदर से इस तरह की है ये, इसमें अंदर एक मैग्नेट लगी हुई है, ये छोटी छोटी गिरियाँ लगी हुई है जिससे ये मोटर वर्क करती है, और अंदर जो आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो इसमें वायरिंग हो रही है इसकी, जो तांबे की वायरिंग होती है वो तार की एक गुच्छी लगी हुई है इसमें। तो इस तरह का ये अंदर से मोटर है और कुछ भी नहीं है इस मोटर में,
तो दुकानदार हमें उलझा देता है कि अंदर से ऐसी है, ये वैसी है, तो आप 350 की या 400 की ख़रीदें तो आपको नहीं ख़रीदनी है, आपको सिर्फ 150 रुपये वाली ख़रीदनी है। और ये मोटर कितनी पावरफुल है इसके अंदाज़ा आपको नहीं है, इसमें से कितना करंट रिलीज होता है मैं बता देता हूँ आपको। 7 वोल्ट का बल्ब इससे आसानी से जल जाता है क्योंकि ये करंट रिलीज भी करती है। तो इस पर भी हमने एक वीडियो बना दी है जिससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो इसी मोटर से, बल्ब भी चला सकते हो आप 7 वोल्ट का। उस वीडियो को भी जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको वो वीडियो भी, क्योंकि इस मोटर से भी हम बल्ब जला सकते हैं, 7 वोल्ट तक का बल्ब जला सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये आपको हमने बता दिया है, तो आप 150 वाली ख़रीदना, आप महंगी मत खरीदना इस मोटर को। आप अंदर से इस तरह का देख लीजिए, इस तरह का ही लुक आपको हर मोटर में मिलेगा। जो कूलर की स्विंग की मोटर आप मार्केट से खरीदोगे, आप 150 वाली खरीदें या 400 की या 500 की या 700 की खरीदें, उसका भी आप, मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको, 700 रुपये तक की मोटर है इसमें। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ सस्ती मोटर लाना है मार्केट से, ठीक है। तो आप सस्ती मोटर यूज करना, ये बिल्कुल उतनी वर्क करेगी जितना आप महंगी मोटर लगाओगे, वो भी उतनी ही वर्क करेगी। तो ये मोटर आसानी से ख़राब नहीं होती, कम से कम 5-6 महीने बड़ी आसानी से चल जाती है मोटर, इससे ज़्यादा ही चलेगी, कम नहीं चलेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी आपकी मोटर, क्योंकि ये ज़्यादा कोई वर्क नहीं करती है। इसका काम सिर्फ कूलर को, कूलर की जो हवा होती है वो सभी तरफ देती है, तो ये बिल्कुल धीरे घूमती है, फास्ट भी नहीं घूमती है, बिल्कुल स्पीड कम होती है इसकी, जिससे ये ख़राब भी नहीं होती जल्दी। और हम इसे इसका यूज भी कमी से कम करते हैं। तो आप इसे लीजिए, सिर्फ 150 रुपये की खरीदिए, आपको ज़्यादा की नहीं ख़रीदनी है। दुकानदार आपको कितना भी समझाए लेकिन आपको महंगी नहीं ख़रीदनी है, बोल देना है कि हमें तो आप 150 वाली ख़रीदनी है, ख़राब होए तो होने दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।